गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है, दहेज हत्या के केस में मायावती का सांसद गिरफ्तार हो गया है। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप गिरफ्तार हुआ है, सांसद की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बेटे की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको याद दिला दें, बहू हिमानी कश्यप की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और हिमानी के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग यहां पर की जा रही थी, उसे और नहीं देने पर ही उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया है। हिमानी की संदिग्ध मौत के मामले में 6 लोग नामजद हैं, तो 3 लोग गिरफ्तार हैं जबकि अभी 3 लोग फरार हैं, जिसमें 2 ननद और 1 देवर शामिल हैं। तो आपको बता दें कि बीएसपी के सांसद इस वक्त गिरफ्त में आ चुके हैं, जो यहां पर नरेंद्र कश्यप जिन पर आरोप लगाया है उनकी बहू के परिवार वालों ने कि उनकी बेटी को मारा गया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि विवाद अचानक से था, शुरुआत से उनको तंग किया जा रहा था। उनकी बेटी को और दहेज की मांग बार बार की जाती थी और इस बार फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड यहां पर की गई थी और उस मांग को जब परिवार पूरा नहीं कर पाया तो उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। तो 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है जबकि अभी 3 लोग गिरफ्त में हैं, तो 3 लोग फरार हैं। जो लोग गिरफ्त में हैं उसमें खुद सांसद, उनकी पत्नी और बेटा शामिल है। तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इसमें जो मृतका है उनके पति, उनके ससुर जो कि सांसद हैं तथा उनकी जो मदर इन लॉ है, उन तीनों को प्रथम दृष्टया दहेज पीड़न और दहेज हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी चूंकि वो हॉस्पिटल में है लेकिन डिटेंशन पुलिस जॉब कर ली कि सुबह से ही उनको डिस्चार्ज करा के प्रॉपर जिला चिकित्सालय में मेडिकल चेकअप करा के उन्हें जेल भेजा गया। क्या जो चीज़ इसमें निकल के आई है वो है कि मृतका का उत्पीड़न किया गया था, मृतका उत्पीड़ित अवस्था में थी और इसलिए वो दहेज हत्या के जो सेक्शंस हैं वो प्रमोद मिश्राई अट्रैक्ट हो रहे हैं इस केस में और उन्हीं सेक्शंस के तहत अभी पंजीकरण करके कार्रवाई की जाएगी। तो ये गिरफ्तारी हुई है और बड़ी खबर है, तो हमारे संवाददाता बदीउज़्ज़ामन इस पर और जानकारी दे रहे हैं। और बदीउज़्ज़ामन इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बदीउज़्ज़ामन क्या है ताजा अपडेट? देखिए, नरेंद्र कश्यप जो कि यहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल में थे और कल से ही वो अंडर ट्रीटमेंट थे, आईसीयू में एडमिट थे, आज डॉक्टरों के पैनल ने उनकी चेकअप किया और चेकअप के बाद जब उनको फिट पाया गया तो उन्हें यहाँ से पुलिस ने अरेस्ट करके यहाँ से ले गई है। हालांकि अभी उन्हें एक अज्ञात जगह पर रखा गया है जहां पर करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा जो कि जरूरी कागजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कोर्ट में किसी भी को पेश करने से पहले वो डॉक्यूमेंटेशन कराए जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें करीब जो लंच के बाद का जो वक्त होता है उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके का ये मामला है, चूंकि ये दहेज उत्पीड़न के साथ दहेज हत्या का मामला है, इसमें किसी भी तरीके की जो बेल है उसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी सेशन कोर्ट से तक से इसकी बेल नहीं हो सकती, लिहाजा जो इनका जो जेल जाना है नरेंद्र कश्यप का वो तय है। जैसा कि कल से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि इस मामले में नरेंद्र कश्यप की भी गिरफ्तारी बिल्कुल संभव है और आज वो पुलिस ने करके यहाँ पर दिखा दिया है, पुलिस ने उनको अरेस्ट करके फिलहाल एक अज्ञात जगह पर ले गई है जहां उनसे पूछताछ की जा रही है और जो डॉक्यूमेंटेशन है जरूरी वो किए जा रहे हैं। जी बदीउज़्ज़ामन, क्योंकि 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज कराई है और अभी सभी लोग गिरफ्त में नहीं है, तो जो फरार है वो कौन है संबंध में इनके और इसके अलावा उनकी तलाशी में क्या कुछ कर रही है पुलिस? देखिए, हिमानी कश्यप के जो ससुर हैं नरेंद्र कश्यप सांसद हैं, बीएसपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी सुबह ही अरेस्ट हो गई थी, देवेंद्री कश्यप, और जो उनका जो बेटा है यानी हिमानी कश्यप का जो पति है डॉक्टर सागर कश्यप, वो कल रात ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी जो लोग फिलहाल बाहर हैं वो इसमें सिद्धार्थ कश्यप हैं जो कि
हिमानी कश्यप के देवर हैं। इसके अलावा दो नंदे हैं जो कि अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये लोग जब कल ये मामला हुआ था उसके बाद से ही ये यहाँ से निकल गए थे हॉस्पिटल से, तो ये तीन लोग हैं जो अभी बाहर हैं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो सास ससुर और पति, जैसा कि जो दहेज हत्या का या दहेज उत्पीड़न का जो मामला होता है उसकी जो जद में मुख्य रूप से पति और पति के अलावा सास और ससुर, ये तीन लोग मुख्य रूप से आते हैं। और पुलिस का जो कंसल्टेशन था वो भी इन्हीं तीन लोगों की तरफ था, जिसका नतीजा ये है कि ये तीनों फिलहाल अरेस्ट कर लिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बदी उसमें आपका इस खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए।